सात साल के बाद आखिर वो फैसला आ ही गया जिसका सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था। साल 2012 में राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप कांड में करीब सात साल के बाद आज इंसाफ हुआ है। तिहार जेल के फांसी घर में शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दी गई। निर्भया के चारों दोषी विनय, अक्षय, मुकेश और पवन गुप्ता को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। 7 साल 3 महीने और 3 दिन पहले यानी 16 दिसंबर 2012 को देश की राजधानी में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सड़कों पर युवाओं का सैलाब इंसाफ मांगने के लिए निकला था और आज जाकर उसका नतीजा निकला है। निर्भया की मां आशा देवी लंबे समय तक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती रहीं। आज जब दोषियों को फांसी दी गई तो उन्होंने ऐलान किया कि 20 मार्च को वह निर्भया दिवस के रूप में मनाएंगी। आशा देवी का कहना है कि वह पूरे देश की बेटियों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। निर्भया के चारों दोषियों की ओर से आखिरी वक्त तक फांसी को टालने की कोशिश की गई। वकील एपी सिंह ने फांसी के दिन से एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में डेथ वारंट को टालने के लिए याचिका दायर की, लेकिन इसमें भी दोषियों के खिलाफ फैसला आया। देश का पहला मोबाइल टीवी जो लगातार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट। घर से दूर हो या दफ्तर से बाहर, आप कहीं भी हो, खबर छूटेगी नहीं। हर मिनट में ताजा हेडलाइंस के साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और तमाम दुनिया भर की खबरें। न्यूज 360 डिग्री टीवी 24x7 लाइव टीवी, ब्रेकिंग बाउंड्रीज।